बच्चों हम देखेंगे बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना किस तरह हुई। आपको मैंने वीडियो के माध्यम से प्लासी का युद्ध बताया, बक्सर का युद्ध बताया, और किस तरह सिराजुद्दौला ने, मीर कासिम ने, मीर जाफर के द्वारा अंग्रेजों से किस तरह की संधियां संपन्न की गई। तो संक्षिप्त में केवल मैं इतना ही बताऊंगी आपको कि ब्रिटिश शासन बंगाल में किस तरह से स्थापित हुआ। हमने पहले भी पढ़ा और आप भी जानते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और वो केवल उसका एकमात्र उद्देश्य था भारत में अधिकाधिक व्यापार करना और अधिकाधिक धन वसूल करके धन कमाना और उसे इंग्लैंड भेजना। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये देखा गया कि व्यापार के साथ साथ यहाँ पर राजनीतिक सत्ता भी कायम की जा सकती है, क्योंकि यहाँ के जो शासक है वो दुर्बल है, आपसी फूट है, इनमें द्वेष है, एकता का अभाव है, अव्यवस्थित और अराजकता से ओतप्रोत राजनीतिक स्थितियां हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास किया। तो इस क्षेत्र में सबसे पहले पहल की बंगाल में। बंगाल का जो शासक था वो था इस समय प्लासी के युद्ध के समय अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान ने अपने जो है पौत्र के पक्ष में, या ये कहें कि उसने अलीवर्दी खान ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था सिराजुद्दौला को, और उसने ये भी भली भांति सिराजुद्दौला को समझा दिया था कि ये जो अंग्रेज हैं ये मधुमक्खियों की भांति हैं, और यदि हम इन्हें नहीं छेड़ेंगे तो ये शहद देंगे, और यदि इनको छेड़ दिया तो ये जो है काट लेंगे, इसलिए इनसे सतर्क रहना। तो सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा तो उसने स्थितियां देखी कि एक तो अंग्रेज जो है अधिकाधिक राजनीतिक हस्तक्षेप शासन व्यवस्था में कर रहे थे, ये उसे बर्दाश्त नहीं था। दूसरा जो है अंग्रेज अधिकारियों द्वारा उतना सम्मान सिराजुद्दौला को नहीं दिया जा रहा था जो एक नवाब के लिए आवश्यक था। तीसरा ये था कि जो सिराजुद्दौला के जो प्रशासन के अधिकारी थे जैसे राजवल्लभ, घसीटी बेगम, शौकतगंज, अमीचंद, इन लोगों ने अपना एक गठबंधन अंग्रेजों के साथ मिलकर बना लिया था, और ये अंदर ही अंदर सिराजुद्दौला को हटाने का प्रयास कर रहे थे। और हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला के द्वारा एक दस्तक अंग्रेजों को दिया जा रहा था। दस्तक का अभिप्राय ये है बच्चों कि जो फैक्ट्री का अध्यक्ष होता था वो एक पत्र देता था, और उस पत्र के मार्फत अंग्रेज अपने व्यापार को जो है आसानी से इधर से उधर ले जा सकते थे, उन्हें चुंगी नहीं देनी पड़ती थी। लेकिन इस दस्तक का अंग्रेज व्यापारियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था। तो विभिन्न कारण रहे प्लासी के युद्ध के, और इन कारणों से जो है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ, और इस युद्ध के पहले ही ये तय कर लिया गया कि जो मीर जाफर है वो सिराजुद्दौला का सहयोग नहीं करेगा, जबकि सेना में प्रमुख सेनापति का पद उसे ही दिया गया था। लेकिन जो प्लासी का युद्ध हुआ, इस युद्ध में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया, इस युद्ध में मीर जाफर द्वारा पूर्ण सहयोग नहीं दिया गया, और जिस परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया। प्लासी के युद्ध में पूरी तरह से अंग्रेजों से हार कर और सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा दिया गया, मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया गया। लेकिन मीर जाफर के से भी जब अत्यधिक मात्रा में उपहार और हर्जाना मांगा गया तो उसे भी अपना पद त्यागने के लिए विवश होना पड़ा। उसने अपने दामाद मीर कासिम के हक में अपना पद छोड़ दिया। मीर कासिम योग्य था, प्रशासनिक जो है अनुभव था, और इसके साथ ही वो चाहता था कि उसकी सेना फ्रांसीसी ढंग से प्रशिक्षित हो,
आर्थिक सुधार भी उसने किए थे, जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनसे जितना भी बकाया था वो वसूल किया था, अंग्रेज अधिकारियों से भी उसने राजस्व के बारे में जांच पड़ताल करवाई थी। तो विभिन्न कारण मीर कासिम की योग्यता कहें या उसकी प्रशासनिक कुशलता कहें, ये अंग्रेजों को नागुजार गुजर रही थी। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा अधिकारी जो उनके व्यापारिक और राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करे, तो इसलिए जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया, विभिन्न कारण रहे उसके भी, और उन कारणों से प्रेरित होकर बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम परास्त हुआ और अंग्रेजों के हाथ में पूर्ण सत्ता आ गई। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ समझौता संपन्न करके इस युद्ध में तीनों की संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेजों को परास्त करने के लिए मैदान बक्सर के मैदान में पहुंची थी, लेकिन इस युद्ध में तीनों ही सेनाएं परास्त हुई और उन्हें एक संधि संपन्न करनी पड़ी, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि का अभिप्राय था कि संपूर्ण बंगाल प्रदेश पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित होना। यद्यपि अंग्रेजों ने या कंपनी सरकार की एक नीति थी, उसने ये तय किया कि बंगाल में ऐसी व्यवस्था कायम की जाए कि दिखावे के लिए तो ऐसा लगे कि नवाब के द्वारा शासन संचालित किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से पूरी शक्तियां कंपनी के हाथों में सुरक्षित रहे। और इसे रॉबर्ट क्लाइव द्वारा दोहरे शासन का स्वरूप दिया गया। दोहरे शासन का परिणाम ये निकला कि बंगाल, जो संपन्न देशों में गिना जाता था, बंगाल मुगल सम्राट का समृद्ध सूबा माना जाता था, वो दरिद्र सूबा हो गया। किसानों से जबरन कर वसूल किया जाने लगा और जो है नवाब अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली मात्र रह गया। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों के अधूरे स्वप्न को बक्सर के युद्ध ने पूर्ण किया, और हमने विभिन्न वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में विस्तार से बताया है। अब मैं केवल आपको संक्षेप में सारे वीडियो एक के बाद एक क्लिक करूंगी, आप देखते जाएंगे और आपको जहां भी समझ में नहीं आएगा, अब जब हमारी ऑफलाइन क्लासें होगी तो आप इस संबंध में मुझसे चर्चा कर सकते हैं। अब बच्चों आप देखेंगे सिराजुद्दौला, प्लासी का युद्ध, युद्ध के क्या-क्या कारण रहे वो हम देखेंगे। नवाब का अंग्रेजों के प्रति अविश्वास, अंग्रेजों का अशिष्ट व्यवहार, विद्रोहियों को शरण देना, अंग्रेज का नवाब के प्रति संदेहपूर्ण व्यवहार, हिंदू व्यापारियों के साथ गठबंधन के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग, अंग्रेजों द्वारा बस्तियों की किलेबंदी, कोलकाता का धन, बंगाल की संपन्नता, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, काल कोठरी की दुर्घटना, ये विभिन्न कारण रहे जिन कारणों से